बिखरे हुए फूलों के माला बनाने का और धागे के रूप में न जान न पहचान, उसके बावजूद भी माला की शोभा बढ़ाने वाले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया को लगता है कि पीएम सफल हुए, लेकिन एक 5 साल की अखंड एकनिष्ठ साधना और जिसका लक्ष्य रहा देश के सामान्य मानवी के जीवन में आशा और बदलाव दोनों संचारित हो। अब ये काम का क्रेडिट तो पीएम को मिलता है, टीवी पे पीएम दिखता है, अखबार में पीएम दिखता है, बधाइयां भी पीएम के खाते में जमा होती हैं, लेकिन जब तक कोई टीम नहीं होती है और समर्पित टीम नहीं होती है तब तक सपने कितने ही बहुत सुहाने हो, संकल्प कितने ही दृढ़ क्यों न हो, इरादे कितने ही नेक क्यों न हो, परिणाम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। परिणाम तब मिलता है कि जब आपके पास पीएम की सोच और हमारे साथियों की सोच की वेवलेंथ मिलती हो। और पीएम जो भी कार्यक्रम विचार रखे वो तो एक आध मीटिंग में 10 शब्दों में बोलेंगे, 15 शब्दों में बोलेंगे, उसको पकड़ करके उसको एक नीति का रूप देना, व्यवस्था का रूप देना, इम्प्लीमेंटेशन का रोडमैप बनाना, उसको लागू करवाना, मॉनिटरिंग करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, वो टीम के बिना संभव नहीं होता है। और इसलिए 5 साल तक जिस इरादे से 2014 में चले थे, 2019 तक हमने हमारे मार्ग में जरा भी डाइल्यूजन नहीं आने दिया, डाइवर्जन नहीं आने दिया, और डेडिकेशन हम बढ़ाते गए, और उसी का परिणाम है कि हम अपेक्षाओं को पूरा करते रहे। उसी प्रकार से घर में भी एक स्वभाव रहता है कि 3 बच्चे हो और एक आध जरा अच्छे ढंग से कर लेता है तो सब कोई उसको ये करो, 2 को भाई अब उसको कहने से क्या मतलब है, जो करता है इस पर बहुत ज्यादा आता है। तो लंबे अरसे के बाद देश को लगा यार ये कुछ कर सकते हैं, चलो ट्राई करें इनके पास, और उसके कारण वर्कलोड भी बढ़ता गया। शायद पहले चिट्ठियां आती है उसको करा बदले 100 गुना ज्यादा चिट्ठियां आने लग गई। पहले लोग चाहते थे महीने में होगा तो चलेगा, लेकिन अब चाहते नहीं, नहीं जी 30 मिनट में होना चाहिए, 30 दिन में क्यों, अब तो आप बैठे हैं। और इसके कारण भी प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने का कारण विश्वास था। अब विश्वास के कारण प्रेशर बढ़ता है उसकी अनुभूति अलग होती है, विश्वास के कारण जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने आप में एक एनर्जी बन जाता है। हम लोगों ने अनुभव किया है कि देश में जो हमसे अपेक्षाओं का प्रेशर बढ़ा उसने बोझ नहीं बना, वो एक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। आपने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया होगा कि आप भी पहले की तुलना में जिस प्रकार से काम करते हुए
एक नई ऊर्जा में परिवर्तन आया होगा। वो ऊर्जा आई कहां से? कभी हमारे यहां शायद अलजिब्रा में पढ़ाते थे ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये टू ए बी कहां से आया? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये टू ए बी कहां से आया? ये जो टू ए बी एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, ये विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमें अधिक काम करने की ताकत दी, फैसले लेने की जिम्मेवारी लेने का एक ऊर्जा बढ़ा दी, विश्वास ने एक नया रूप धारण कर दिया। और शायद आप में से जो लोग ऐसी चीजों को एनालिसिस करने की आदत रखते होंगे, वे अगर इसको अपने जीवन का हिस्सा बना दें तो ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और मैंने अनुभव किया है कि मेरी अपेक्षा से ज्यादा आप सबने परिणाम दिया है, समय की मेरी कल्पना से पहले दिया है, और सुचारू ढंग से हो सुचिता से हो, इन दोनों पिलर को आपने बराबर पकड़ के रखा है। और इसलिए ये पूरी टीम, और जो यहां नहीं होंगे आपके साथ काम करने वाले और भी होंगे, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इसके साथ साथ ये काम कर कैसे पाया? इसलिए नहीं कि डगर डगर पर कोई लीडरशिप थी जो आपको लीड करती थी या काम करवाती थी, कभी भी टीम स्पिरिट उससे आता नहीं है। एक भीतर लीडरशिप डेवलप होना बहुत जरूरी होता है, जहां जो है वहां लीडरशिप ले रहा है क्या। एंड एक प्रकार से हमारे सक्सेस में लीडरशिप की क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। हमारे यहां लीडरशिप या ड्राइविंग फोर्स नहीं रहा पूरे पीएमओ के वर्किंग में, मैनेजमेंट की दुनिया में शायद लीडरशिप को ड्राइविंग फोर्स मानते होंगे, आवश्यक भी होगा, लेकिन मेरी जो कार्यशैली रही है, मेरी सोच रही है, वो ये है कि हम मल्टी लेयर मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप क्वालिटीज का क्यूमुलेटिव इफेक्ट को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतनी ज्यादा परिणामकारिता होती है। अगर हमें पीएमओ को प्रभावी बना होना होता तो लीडरशिप इज इनफ, सिंगल लीडरशिप इज इनफ, लेकिन मेरी सोच पीएमओ को प्रभावी बनाने की नहीं है, मेरी सोच पीएमओ को इफेक्ट एफिशिएंट बनाने की, इफेक्टिव नहीं, एफिशिएंसी बढ़ने से जो एक कैटलिक एजेंट के रूप में रोल होता है, जो बहुत परिवर्तन लाता है, इफेक्टिव में डगर डगर पे आपको अच्छा मैं जो कहा वो मान रहा है कि नहीं मान रहा है, मैं जो कहा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एक प्रेशर में जीते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पूरे इतनी बड़ी शासन व्यवस्था में पीएमओ इफेक्टिव हो, हम चाहते हैं पीएमओ एफिशिएंट हो। और एफिशिएंसी से जो चीजों को गति आती है, जो ऊर्जा मिलती है, जो परिणाम मिलते हैं, उसकी मात्रा बहुत ऊंची होती है। और ये मैंने पिछले 5 साल में आपके साथ रहते रहते अनुभव किया है। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कई मंत्री देखे हैं, लेकिन मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने आपको देखा है। क्योंकि मैं दूसरे ग्रह से ही आया हूं, लेकिन आपने कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, कभी काम का बोझ मेरे तक आने नहीं दिया। आप लोगों के विचार, आपके सुझाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी न कभी मेरे पास पहुंचे हैं, जिसने मुझे एक ताकत दी है। तो एक प्रकार से मैं और मेरी सफलता के पीछे या मेरे जीवन के संतोष के पीछे कोई एक चीज है, वो है मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता,
मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखता हूँ, और मेरे भीतर का विद्यार्थी आप में तो हर किसी को गुरु मानने को तैयार होता है, आप में तो हर किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार होता है, आपके हर सुझाव को स्वीकार करने के लिए खुले मन से काम करने वाला होता है, और उसने भी मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया है, ये भी अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्य रहा है। आप कर पाए, जैसा मैंने कहा, लीडरशिप वगैरह सब बातें, लेकिन आपने बहुत कुछ छोड़ा भी होगा, छुट्टियां नहीं मना पाए होंगे, घर में बच्चे का जन्मदिन होगा, प्रॉमिस करके निकले होंगे कि मैं समय पे आ जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाए होंगे, फिर भी आप अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। तो इसके पीछे आपके परिवारजनों का भी बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा योगदान है। सुबह 9 से शाम को 5 तक के काम करने में शायद परिवार भी सेट हो जाता है, लेकिन जहां अनिश्चितता है, निकलने के बाद कब लौटेंगे पता नहीं है, कितने बजे आएंगे, और आने के बाद भी घर में 50 फोन उसी को हैंडल करते रहते हैं, परिवारजनों से बात करने का मौका नहीं मिलता है, ये आप सब गुजरे होंगे, ये कोई मैं अनुमान से नहीं कह रहा हूं, बहुत स्वाभाविक है। आपके परिवारजनों का भी इस हमारी यात्रा की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके परिवारजनों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, एक जिंदगी तो एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन फिर भी कुछ पड़ाव आते हैं, जो पड़ाव नए हौसले, नए इरादे, नए संकल्प, नई ऊर्जा को भर देते हैं। ये अवसर भी वैसा ही है, ये कोई पहले 5 साल थे, चलो और 5 साल, जी नहीं, पहले 5 साल थे, अब 5 साल कुछ और हो, और कुछ हो, और ज्यादा हो, और कहीं नवीन हो, और नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, ये मिजाज के साथ हम अपने मन को तैयार करते हुए चले, और मुझे विश्वास है कि ये टोली, ये टीम उस काम को पूरी तरह कर पाएगी। इनसे मैं काम करते करते कभी कुछ कठिनाइयां भी आई होगी, मेरी अनुभवहीनता के कारण कठिनाई आई होगी, हो सकता है कि मेरे कुछ आग्रह के कारण कठिनाई आई होगी, और कठिनाई एक ऐसी चीज होती है, मुसीबत ऐसी होती है, वो सरकारी सिस्टम में बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है, ऊपर मैं कहूंगा क्यों ऐसा हुआ तो नीचे 3 बार कहे क्यों ऐसा हुआ, उसके नीचे वालों को 5 बार कहे क्यों ऐसा हुआ, तो ये लोड मल्टीपल हुआ होगा आपको, लेकिन उसका उद्गम बिंदु बह रहा हूं उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, फिर भी आप डटे रहे, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए यहीं से हम संकल्प करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद।